कोटा में तो मेरे ख्याल से पहली बार ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब सर्दी हो रही है। आज एकदम से ऐसा हुआ है कि तापमान एकदम गिरा है और बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ गई। कोटा में लगातार 4 दिनों से कोहरे का शटडाउन देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज सुबह 7 बजे से दोपहर तक कोहरे का काफी असर देखने को मिला। सबसे ज्यादा असर स्टेशन इलाके में हुआ, जहां पर तापमान में भी काफी गिरावट आई। वहीं कोटा रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली ट्रेनों पर भी कोहरे ने ब्रेक लगा दिया, तो वहीं वाहनों की गति भी धीमी हो गई। दूर तक कोहरे की वजह से आसपास के मकान भी नहीं दिखाई दिए। साथ ही कई लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लिया। जानकारी के मुताबिक स्टेशन इलाके में कोहरे का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। इसके साथ ही कोहरे के असर को देखते हुए जिला कलेक्टर से भी स्कूलों की छुट्टी करने की मांग की जा रही है। बच्चों के परिजनों का कहना है कि इस कोहरे और कड़कती ठंड का असर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर ज्यादा देखने को मिलता है। सर्दी का बहुत प्रकोप हो रहा है इस समय, तो ऐसा है प्रशासन को भी ये देखते हुए और उनको भी नज़र में आ रहा है कि किस तरीके की हो रही है इस समय सर्दी, बच्चों को एकदम जल्दी सर्दी का असर होता है जिससे बीमार होते हैं बच्चे। ये इतना कोहरा तो अभी तक शायद मैंने तो मेरी लाइफ में नहीं देखा कि 8:30 बजे इतना कोहरा हो कोटा में। कोहरे ने अपना रूप दिखाया है और इतना तेज हो गया है कि अगर यही हाल रहा तो 2 दिन बाद में वापस छुट्टियां स्कूलों की बच्चे करनी पड़ जाएगी। अभी सुबह पेरेंट्स देखे बहुत मतलब कोहरे बच्चों को लेके जा रहे हैं, बच्चे फुल पैक हैं, उसके बाद भी ठंड से परेशान हैं। तो अगर यही हाल रहा तो शायद 1-2 दिन में अवकाश करना पड़ जाएगा।